साल 2020 और 21 में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चित बाबा का ढाबा और यूट्यूबर गौरव वासन की लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई है। दरअसल जब यूट्यूबर गौरव वासन बाबा का ढाबा के मालिक से मिलने पहुंचे तो कांता प्रसाद उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगे, गौरव के पांव पकड़ने लगे। बाबा ने कहा कि गौरव के लिए मैं जान दे सकता हूं और गौरव ना होता तो आज मुझे कोई नहीं जानता। बता दें कुछ समय पहले दिल्ली के मालवीय नगर के बाबा का ढाबा की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद की रोते हुए एक वीडियो वायरल हुई थी। उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि लॉकडाउन की वजह से उनका ढाबा नहीं चल रहा। इसके बाद गौरव वासन नाम के एक यूट्यूबर ने बाबा के ढाबे को लेकर एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुआ कि बाबा कांता प्रसाद की मदद के लिए हजारों हाथ आगे आ गए थे और बाबा रातों रात लखपति हो गए थे। लखपति होते ही कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बाबा ने यूट्यूबर गौरव पर आरोप लगा दिया था कि उसने पैसों में गड़बड़ी की है। यही नहीं, बाबा ने गौरव के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी थी। पैसे आए तो बाबा ने साउथ दिल्ली के मालवीय नगर का ढाबा छोड़कर रेस्टोरेंट भी खोल लिया, लेकिन अब बाबा एक बार फिर अपने ढाबे पर वापस आ चुके हैं। बाबा और गौरव के बीच की लड़ाई सोशल मीडिया पर सुर्खियों में थी। बाबा से मिलने पहुंचे गौरव वासन जैसे ही उनसे मिले तो बाबा फूट फूट कर रोने लगे, गौरव के सर पर हाथ रखकर दुआएं देने लगे। बाबा इतने इमोशनल हो गए कि गौरव के पांव पकड़ते हुए कहने लगे कि गौरव के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। गौरव की वजह से मेरा ढाबा फेमस हुआ और लोग मुझे आज जानते हैं। मुझे गौरव के दोस्तों ने ही भड़काया था। इस पर गौरव ने भी बाबा को गले लगा लिया और कहा कि आप बड़े हैं, माफी कैसी, लेकिन साथ ही साथ कहा कि आज लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर में सच क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।